अजूनी ये फ्लावरपॉट ना बेबे के रूम में रख गया। बेबे आइए आपके लिए चाय बना देती हूँ। स्टार भारत के सीरियल अजनी में अजनी और राजवीर का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है और इन सबके पीछे की वजह है शिखा। पर शिखा एक एक कर अपनी चालों में कामयाब हो रही है। आज फिर से शिखा ने शुरू कर दिया है घर में तमाशा, जब अजनी के हाथ से कांच का गमला टूट गया और उस पर बेबे आके फिसल गई। बेबे एक काम करते है, इसने फ्लावरपॉट तोड़ के आपको गिराया ना, तो अब इसको इन कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ेगा। हालांकि राजवीर ने वहां तो अजनी का साथ दे दिया, लेकिन कहीं न कहीं अजनी समझती है कि राजवीर उससे खफा है। क्या कर रहा है तू? बेबे, इस घर में जहां भी अजनी पे जुल्म होगा ना, मैं वहां आऊंगा। कौन कैसी हरकत करता है इस घर के अंदर ना, सबके ऊपर मेरी ना बाज की तरह परीक्षी की नजर होती है, समझे कि नहीं? आज के बाद अगर ऐसी कोई हरकत की ना, तो उसके लिए ना मैंने बाहर एक कचरा फेंकने के लिए ना इतना बड़ा डब्बा ना खास मंगा के रखा है। पूछ क्यों? क्यों पापा जी? तेरे को उसमें डाल के फेंकने के लिए। पापा जी, मैंने आपके फैसले के खिलाफ जाके अजूनी की मदद की, माफ कर दीजिए। बच्चा माफ किया, क्या करूं? इस घर में अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकता। आज मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जा रही जहां तेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और मुझे यकीन है राजवीर, अगर तूने एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया होगा तो तू अभी मेरे साथ चलेगा। चल मेरे साथ, इन्हें सबूत की जरूरत नहीं होती राजवी, क्योंकि इन्हें सब दिखता है। इसलिए आज मैं माता रानी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तेरा सर शर्म से नीचे झुके। मैं भी कसूर हूँ राजवीर, तुझ पे भरोसा था इसलिए पीछे सब कुछ छोड़ के मैंने तेरे साथ ये शादी निभाई है, पर आज अगर तू मेरे साथ नहीं है ना, तू खत्म कर दे सब। अजूनी ये फ्लावरपॉट ना बेबे के रूम में रख गया। बेबे आइए आपके लिए चाय बना देती हूँ। स्टार भारत के सीरियल अजनी में अजनी और राजवीर का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है और इन सबके पीछे की वजह है शिखा। पर शिखा एक एक कर अपनी चालों में कामयाब हो रही है। आज फिर से शिखा ने शुरू कर दिया है घर में तमाशा, जब अजनी के हाथ से कांच का गमला टूट गया और उस पर बेबे आके फिसल गई। बेबे एक काम करते है, इसने फ्लावरपॉट तोड़ के आपको गिराया ना, तो अब इसको इन कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ेगा। हालांकि राजवीर ने वहां तो अजनी का साथ दे दिया, लेकिन कहीं न कहीं अजनी समझती है कि राजवीर उससे खफा है। राजवीर क्या कर रहा है तू? बेबे, इस घर में जहां भी अजनी पे जुल्म होगा ना, मैं वहां आऊंगा। कौन कैसी हरकत करता है इस घर के अंदर ना, सबके ऊपर मेरी ना बाज की तरह परीक्षी की नजर होती है, समझे कि नहीं? आज के बाद अगर ऐसी कोई हरकत की ना, तो उसके लिए ना मैंने बाहर एक कचरा फेंकने के लिए ना इतना बड़ा डब्बा ना खास मंगा के रखा है। पूछ क्यों? क्यों पापा जी? तेरे को उसमें डाल के फेंकने के लिए। पापा जी, मैंने आपके फैसले के खिलाफ जाके अजूनी की मदद की, मुझे माफ कर दीजिए। बच्चा माफ किया, क्या करूं? इस घर में अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकता। आज मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जा रही जहां तेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और मुझे यकीन है राजवीर, अगर तूने एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया होगा तो तू अभी मेरे साथ चलेगा। चल मेरे साथ, इन्हें
इन्हें सबूत की जरूरत नहीं होती राजवी, क्योंकि इन्हें सब दिखता है। इसलिए आज मैं माता रानी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तेरा सर शर्म से नीचे झुके। मैं भी कसूर हूँ राजवीर, तुझपे भरोसा था इसलिए पीछे सब कुछ छोड़ के मैंने तेरे साथ ये शादी निभाई है, पर आज अगर तू मेरे साथ नहीं है ना, तू खत्म कर दे सब। और आपको तो पता ही है कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियाँ।